सुदर्शन, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे पास अभी हाल ही में ड्रीम इलेवन के विनर बैठे हैं प्रमोद कुमार जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जय राम भाई, जय महाकाल जी। तो मैं जानना चाहता हूं कि बात जब आती है कप्तान उप कप्तान चुनने की, कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने की, क्योंकि कैप्टन वाइस कैप्टन चुनने पर ही ड्रीम इलेवन में रैंक बनाती है। और अगर हम लोग कैप्टन वाइस कैप्टन सही तरीके से नहीं चुनेंगे, फिर टीम हमारी कितनी भी अच्छी हो, हम लोग विनिंग जोन में नहीं जा पाएंगे। तो यहाँ पे कप्तान उप कप्तान चुनने के लिए क्या चीजें इंपॉर्टेंट रखते हैं? कई कई लोग सिर्फ बड़ा प्लेयर देखते नाम चुनते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल। अभी बिग बैश वगैरह 20 चल रहा है, तो ओपनर मेन कैप्टन बनाना पड़ता है जी, वन डाउन से थ्री डाउन जी। उसके बाद क्या है, वो प्लेयर को मौका नहीं मिल पाता, मतलब गेंद ही बॉल कम बची रहती है। तो जितना आप वन से थ्री के बीच में बैट्समैन में बनाएंगे, वही कैप्टन बनाइए, क्योंकि उन्हें ज्यादा मौका मिलता है, ज्यादा गेंदे खेलती हैं, तो ज्यादा रन बनते हैं। तो वही फर्स्ट से थ्री के बीच में क्या नाम है, कैप्टन, और एक ऑलराउंडर पिक कर लें, वाइस कैप्टन जी। अच्छा, तो क्या सिर्फ बैट्समैन को ही कैप्टन बनाना उचित है, क्योंकि अधिकतर लोग बैट्समैन के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं? हाँ, क्योंकि बैट्समैन के पास चांस रहता है ना जी, फर्स्ट गेंद से 120 बॉल खेलने के लिए 120 ओवर के बीच में उसी के पास मौका रहता है, क्योंकि ओपनिंग से आता है ना। लेकिन बॉलर के पास ये मौका नहीं रहता, बॉलर के पास मौका नहीं है ना, ऑलराउंडर के पास 15-20 गेंद मिलती है जी। तो ओपनर बनाए या तो वन डाउन तो ज्यादा करेक्ट रहेगा, कैप्टन और वाइस कैप्टन तो ऑलराउंडर ही को रखे जी, क्योंकि बॉलिंग भी विकेट रन भी बना सकता है। तो कहीं ना कहीं प्रमोद जी, किस बात से मैं एग्री करता हूँ, ड्रीम इलेवन में आने के बाद कप्तान उप कप्तान चुनने के लिए जो स्ट्रेटजी, जो जानकारी जरूरी होती है, कहीं ना कहीं वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। एक बार फिर से आप लोगों को मैं याद दिला दूं, हमारा टेलीग्राम चैनल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करें, जाएं, ज्वाइन कर लें, वहां पे हम लोग प्रेडिक्शन देते हैं जी। नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको पता चल जाए, बेल आइकन जरूर बता दीजिए, बेल आइकन भी आप लोग भाई बिल्कुल दबा दीजिए, क्योंकि वहां पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहता है। जैसे ही नई वीडियो डालेंगे हम लोग, टीम आपको भेजेंगे, तुरंत वही टीम रेट कर लीजिएगा जी, उसी के माध्यम से अपनी वीडियो बनाइएगा जी। इन सब चीजों का भाई बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे प्रमोद जी, कई लोग सिलेक्शन परसेंटेज देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी प्लेयर हो गए, जैसे मान लीजिए रोहित शर्मा, तो सिलेक्टेड बाई 90% लोग उन्हीं के पीछे भाग जाते हैं कि भीड़ इधर है। तो ऐसा करना चाहिए कि अपने टीम को एनालाइज करके काम करना चाहिए, एनालाइज करके काम करना चाहिए। अब देखिए क्या हुआ, रोहित शर्मा टेस्ट सीरीज चल रही थी, पहले में 5 रन, दूसरे में 0 पे आउट चल गया विराट कोहली। यही सब है, बातें ध्यान रखनी पड़ती है ना। और एक तो इंडिया अपने घर में भी नहीं खेल रहा है, बाहर खेल रहा है साउथ अफ्रीका में, तो यही सब दिक्कतें होती हैं जी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों का आपका कहना है कि ड्रीम इलेवन में काफी बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है। हाँ, काफी। तो अगर आप लोग भाई इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे, इन चीजों को जान नहीं पाएंगे, तो फिर ड्रीम इलेवन से आपकी विनिंग होने से रही। अच्छा, जब हम प्रमोद जी, जब हम कोई भी टीम में आके प्लेयर को चुनते हैं, तो हमारे पास 11 प्लेयर ही होते हैं टोटल, चाहे हम चाहे बैट्समैन ही ले लें, चाहे बॉलर ही ले लें। तो यहाँ पे विकेट कीपर कितने चुनने चाहिए, एक या दो? विकेट कीपर एक ही बहुत है जी। हाँ, जैसे इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच है, तो इंडिया का ही विकेट कीपर पकड़िए, और देखिए केएल राहुल ने 100 भी मारा, थोड़ा आइडिया रहता है ना, करीबी से जाने रहते हैं ना इंडिया खिलाड़ी को, कौन सा विकेट कीपर है, तो विकेट कीपर ही, जो आपने बताया सही है जी। यानी कि मतलब आपका कहना है कि विकेट कीपर एक रहे, ऑलराउंडर पे फोकस करिए, और बैट्समैन को कैप्टन बनाने के लिए ज्यादा जोर डालिए जी, जो ओपनर है उसको ज्यादा जोर डालिए जी। अब डीन एलगर ने देखिए 185 मार दिया, यही है। तो कहीं ना कहीं भाई इन चीजों को समझ के आप लोग चलेंगे, तो फिर ड्रीम इलेवन से आपकी अच्छी खासी विनिंग होगी, और आप लोग ड्रीम इलेवन से एक बड़ा अमाउंट विन कर पाएंगे। उम्मीद करता हूं जो जानकारी मैंने दी है आप लोगों को समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए जी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।